जय हिंद। आज सचमुच बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के हम हिस्सा बन रहे हैं। जब आप इसको देखते हैं, ये आउटरीच कार्यक्रम है। एक तो रीच होता है, ये उससे भी एक कदम आगे जाकर आउटरीच, मतलब कि मैं किस प्रकार हर एक के साथ जुड़ जाऊं। ये जो पहला शब्द है वंचित, वंचित का मतलब है जो हम जिनके साथ कनेक्ट नहीं कर सके, जो वंचित रह गए। पूरा दुनिया हम कोशिश किया कि सबको हम आयुष्मान कार्ड दें, लेकिन फिर भी रह गए। आज उनको आउटरीच करके, उनके पास जाकर, उनकी देखभाल करके, ये जो ये कार्यक्रम है ना, ये प्रभु के आशीर्वाद से ही होता है। सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो होती है अंत्योदय की, जो लाइन में सबसे लास्ट में खड़ा है। उसकी केयर कैसे करें, उसके साथ हम कैसे कनेक्ट हों, ये सबसे बड़ा कार्य है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हमारे दूर दराज में बैठे हुए हैं, जो पहाड़ में बैठे हुए हैं, जो गांव में बैठे हुए हैं, जो एससी एसटी ओबीसी हैं, जिन कारण से भी उन तक नहीं पहुंच सके हैं, उनके साथ में कैसे पहुंचे। एक परिवार की तरह, राष्ट्र रूपी परिवार की तरह हम सब डिसाइड करते हैं कि ये हमारी योजना है, और जब तक वो योजना अंतिम छोर तक नहीं पहुंचती है तो मजा ही नहीं आता है। उस कार्यक्रम जिसका मकसद है आउटरीच, मुझे तो आज बहुत ही आनंद आ रहा है, क्योंकि ये जो हम नहीं कर सके उसको करने का जो एक इरादा है, इच्छा शक्ति है, विल पावर है, प्लानिंग है, डिसीजन है, अपने आप में बहुत खुशी देता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का पीएम सुराज पोर्टल शुरू कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी योजना सबको पता है कि नहीं पता है, इसकी जागरूकता, अवेयरनेस है कि नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हम सुनेंगे तो एक एक चीज बारीकी से और हर एक चीज सीधा अपनी आत्मा से सुनना, वो सबसे जरूरी है। क्योंकि आज का जो मकसद है वो है उन जिनके पास में लाभ लाभार्थी होने चाहिए थे, उनके तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। आई थिंक दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। आज बहुत ही सुंदर, हम तो पूरा जिंदगी एक दूसरे को नमस्ते करते रहते हैं, ये नमस्ते योजना क्या है इसको भी समझने की कोशिश करना। और आपको याद है कि नवंबर के पहले हफ्ते में हमने बिरसा मुंडा जी के पुण्यतिथि में हमने प्रण लिया था कि जितनी भी योजनाएं बनाई हैं उनका मकसद है कि भारत को किस प्रकार विकसित भारत बनाए और उन लाभार्थियों तक पहुंचे जहां तक नहीं पहुंचा है, और वो संकल्प का कार्यक्रम शुरू किया था। मैं कहूँगा ये उसी एक श्रृंखला में एक और आउटरीच है कि किस प्रकार हम जो संकल्प लिया है उसको किस प्रकार पूरा करें। सबसे ज़्यादा जरूरी है आखिरी लाभार्थी, क्योंकि एक न एक दिन तो प्रभु पूछेगा, अगर आपने लाभार्थियों का सोचा था, क्या आपकी योजना वहाँ तक पहुँची है कि नहीं पहुँची है। तो ये जो बहुत ही पवित्र कार्य है, मेरी नज़र में, मेरी आत्मा की नजर से हमने देखा है कि सरकार ने बहुत सुंदर कार्य किए हैं। मेरे को जो बहुत अच्छे लगते हैं, विच हैज टच्ड माय सोल, जो मेरी आत्मा को बहुत प्रभावित किए हैं। जब भी मैं फॉरवर्ड एरिया में जाता हूँ, अपने अगले वाले 9 डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, जब मैं वहाँ पर लोगों को मिलता हूँ, तो ये जो बैंक्स का जनधन खाता खुला है, और इसने एकदम कमाल कर दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर इसने कमाल कर दिया है, माइक्रो फाइनेंस स्कीम कमाल कर दिया है। इन तीनों ने एक ऐसी रेवोल्यूशन लेके आए हैं कि जो भी योजना शुरू होती है सेंटर से, वो डायरेक्ट लाभार्थी के पास में पहुंचती है। पहले सुना था कि 100 में से 80, 85, 90 तो रास्ते में ही रह जाता। हमारे भारत में पहले हम देखा था मिडिल मैन, बीच वाला ठेकेदार, बीच वाला पता नहीं कहां से आ जाता था। तो उस चीज को पार करने के लिए ये जो सोच है बहुत सुंदर है। आपने देखा कि जो मुद्रा योजना है किस प्रकार से लोन दिए जाए, माइक्रो फाइनेंस स्कीम, इजी लोन, उसमें 50,000 से 10 लाख के ऋण। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने ऋण लिया उसके बाद में एकदम कमाल ही कर दिया, स्पेशली कोविड टाइम पर जिन्होंने ऋण लिया और एक संकल्प के साथ कार्य किया, एकदम कमाल ही कर दिया। नजर है जो न जाने किस कारण गरीब रह गए, दलित जो पिछड़े हैं, जिनको हम पिछड़ा कहते हैं, हमको कोई हक नहीं किसी को पिछड़ा बोलने का, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस आदिवासी हैं। सच कहूं तो हमारी सबकी जिम्मेवारी है, हर एक परिवार के सदस्य की, कि हम अवेयरनेस कराएं, जागरूकता कराएं कि योजनाएं क्या क्या हैं। हमारे आयुष्मान बहुत सुंदर कार्यक्रम है, लेकिन हम कभी कभी देखते हैं जो बीमार पड़ा है उसको पूछते हैं आपके आयुष्मान कार्ड है, उसका आयुष्मान कार्ड है नहीं। तो फिर ऐसे लगता है, अपने आप से सवाल पूछते हैं, अगर हमने इतनी सुंदर योजना बनाई है तो सबके पास जो लाभार्थी होने चाहिए उनका क्यों नहीं पहुंचा है। इधर में विकसित भारत संकल्प यात्रा करने के बाद में मैं खुद एक जगह गया, वहां गांव के अंदर में पूरा प्रोग्राम रखा था। तो उसके अंदर भी अकाउंट्स खोलने का काम, उसके अंदर में आयुष्मान का कार्ड काम, आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य। फिर भी ऐसा लगा कि इतने लोग रह गए हैं, इतना बताने के बावजूद भी रह गए हैं। तो आज का कार्यक्रम एक और उसी दिशा में एक प्रयास है, बहुत सुंदर। हमारे परिवार में जो सबसे ज्यादा सर्वाइव करते हैं, जो सबसे हमारी धरती को, हमारे समाज को अपनी बलबूते पर अपनी मेहनत से सफाई करते हैं, हमारे सफाई कर्मचारी समाज जो है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पहले जमाने में जब अपने आप से ढोते थे मैला तो अपने आप आत्मा में बहुत दर्द होता था, लेकिन जिस प्रकार से एक रेवोल्यूशन आया है शौचालय बनाने का, उससे एक बिल्कुल स्थिति बदली है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हमको हमारे सफाई कर्मचारी समाज के लिए बहुत काम करना बाकी है। मुझे बहुत खुशी है कि आप आज यहाँ पर आए हैं तो अपनी ड्रेस डाल के आए हैं, अपना जैकेट डाल के आए हैं। आपकी ड्रेस और जैकेट से आपका जो रूप है ना वो एकदम बदल जाता है, एकदम प्रोफेशनल की तरह लगते हैं। कभी कभी आप फॉरेन कंट्री में जो अच्छी ऑर्गेनाइज्ड हैं वहां जाओ तो वहां जो सफाई कर्मचारी एकदम डांगरी डाल के, एकदम हेलमेट डाल के कार्य करते हैं, तो देखकर ये अच्छा लगता है कि एक प्रोफेशनल है। और जब हम पुराने जमाने में देखते थे सबसे फटे हुए गले हुए कपड़े डालकर, ऐसे गंदे मंदे कपड़े डालकर सफाई कर रहे हैं, तो एक तो इतना चैलेंजिंग टास्क, ऊपर से ड्रेस भी ठीक नहीं। तो ये हमको अपने आप को, हमको देखिए सिंपल सी बात है, हमको अपना सोच विचार धारणा बदलना पड़ेगा, हमको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, हमको अपनी ड्रेस, अपने आप को एक प्रोफेशनल के रूप में लाना बहुत जरूरी है। ये उत्तराखंड के अंदर में 32 नगर निकाय हैं और उन्होंने कई योजनाएं बनाई हैं। इसके बारे में हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक उत्थान बहुत बड़ा शब्द है, और रोजगार आधारित जो जन कल्याण भी बहुत बड़ा शब्द है। पूरा जीवन लग जाता है इसको समझने के लिए, कल्याण क्या है, उत्थान क्या है। और जो लोग इस सब्जेक्ट के अंदर में डील करते हैं उनको प्रभु ने ही बनाया होता है। मुझे सच कहूं तो जो सीवर और सेप्टिक टैंक के श्रमिक हैं, उनसे बहुत प्यार है। महात्मा गांधी जी ने उनको सबसे ज्यादा इज्जत दी थी, क्योंकि वो ही सचमुच हरि का, भगवान का कार्य करते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि चाहे छोटा सा ही प्रयास हो, चाहे सिंबोलिज्म हो, ये जो पीपीआई किट दिया है आपको, आई एम वेरी हैप्पी कि किसी ने सोचा है कि सफाई कर्मचारी का, उस वॉरियर का ड्रेस होना चाहिए, उसका एक डिसिप्लिन होना चाहिए, उसका एक कायदा होना चाहिए, उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए। वो भी एक फौज है, वो भी एक वॉरियर है। कोविड महामारी में समझ आया कि सफाई वालों का क्या योगदान होता है। सच कहूं तो हमारे सीमांत जो बॉर्डर इलाके हैं, वहां पर भी एक बदलाव सा आ रहा है। वो भी मेरे को लगता है वंचित हमारा एक ग्रुप सा है। अभी वाइब्रेंट विलेज स्कीम के बारे में सोचा गया है, जहां पर कोई नहीं पहुंचता था वहां पर टावर लग गए हैं, जहां कोई नहीं पहुंचता था वहां सड़क बन गई है, वहां पर होम स्टेज बन गए हैं। वहां लोन से वही गांव वालों ने अपने वहां पर होम स्टे बना दिए हैं, वहीं पर लोन से गाड़ियां ले ली हैं, और एकदम परिवर्तन आ रहा है। ये जो एम्पावरमेंट है, जिसको हम हिंदी में सशक्तिकरण कहते हैं, कि हम इसको अपने परिवार को किस प्रकार से शैक्षिक रूप में, एजुकेशन में, अवेयरनेस में किस प्रकार हम एम्पावर करें, हम आर्थिक रूप से किस प्रकार पार करें, हम सामाजिक रूप से किस प्रकार एम्पावर करें। सच कहूं तो ये जो राष्ट्रव्यापी आउटरीच कार्यक्रम जिसका आज हम हिस्सा बनने वाले हैं, अपने आप में बहुत ही बड़ा कार्य है। सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, उसके अंदर में ऋण सहायता योजनाएं, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आजकल तो बहुत आसान है, आप गूगल में जाएंगे, आप सरकार की वेबसाइट पे जाएंगे, आप एकदम पता कर सकते हैं क्या है, किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं। सबके पास मोबाइल हैं, आज कोई ऐसा नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है, और मोबाइल से आप ये पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उनके बारे में जानकारी हासिल करें और आगे कार्य करें। कभी कभी इतनी खुशी होती है इस बात को सोचकर कि जो प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन है, इसके अंदर में 18 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है। एक्चुअली हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इसने किस प्रकार हमारे पूरे समाज को बदल दिया है। पहले हमारी बेटियां स्कूलों में जाती थी, टॉयलेट्स नहीं होता था, तो स्कूल ड्रॉप आउट और स्कूल की जो प्रेजेंस थी वो बहुत कम थी। लेकिन इसके बाद में एकदम बदलाव आया है, अपने आप एक कॉन्फिडेंस आया है। कि मैं आपको एक अपने जीवन का अनुभव बताना चाहता हूं। मैं ईरान में, तेहरान में एक साल यूनाइटेड नेशन मिशन में गया था। जब मैं उनके घर देखता हूँ, ईरान के जो घर थे तेहरान के अंदर, सबसे सुंदर कमरा या जगह घर में वो बाथरूम था। बाथरूम इतने सुंदर बने हुए, उनके तो कई जो अच्छे वाले अमीर लोग हैं उनके घर में हमाम होता है ना, बड़ा वाला, लेट कर नहाने वाला, ऐसे ऐसे बने हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेवोल्यूशन लाए स्वच्छता का, ये सबसे बड़ा हम सबके लिए आशीर्वाद है। आज सचमुच आप सबको हृदय से मैं बधाई देता हूं कि हम एक परिवार के ऐसे फंक्शन के हिस्सेदार बनने जा रहे हैं विच विल लीव अ इफेक्ट ऑन हमारी सोच, विचार और धारणा, जो हमको एक ट्रांसफॉर्म करेगा। मैं समाज के उस ग्रुप को सशक्तिकरण करना जिसके पास में योजना नहीं पहुंच चुकी है, वो सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता है हम सबकी। आपको बैंकों के क्या सुविधा प्राप्त होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। 50 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं। आप में से कोई है जिसका बैंक अकाउंट नहीं है? हाथ खड़ा करना। कोई जिसका बैंक अकाउंट नहीं है। अगर मैं यही बात 10 साल 11 साल 12 साल पहुंचा तो आई कैन ऑनेस्टली टेल यू हमारे में से कोई 50-70% के पास में नहीं होना था। आप में से कोई है जिसके पास में मोबाइल नहीं है? कोई है? कोई है जिसके पास में मोबाइल नहीं है? सरप्राइजिंग। एक बात पक्की है, एक बदलाव हो गया है। अपनी खिड़की से देखिए बाहर, वातावरण में देखिए, आपको सुगम मतलब इजी लोन्स की एक पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। माइक्रो फाइनेंस स्कीम का एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। यू मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस। जो हमारे बच्चे जो स्टार्टअप या नया कार्य करना चाहते हैं, they can make use of it. और मेरी एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक तो we already talked about dress, दूसरा है टेक्नोलॉजी। आप इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कीजिए, आप टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ना, इट विल बी अ फोर्स मल्टीप्लिकेशन। नमस्कार।